सो हफ्ते का लास्ट दिन 24th of July क्या होने वाला है गाइड्स एंजल्स 24th of July व्हाट इज गोइंग टू हैपन 24th of July व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओके कार्ड्स बहुत पावरफुली जंप कर रहे हैं लेट मी सी द यूनिवर्सल एनर्जी फॉर 24th of July व्हिच इज अ संडे 24th of July द यूनिवर्स व्हाट डज यूनिवर्स वांट अस टू नो 24th of July ओके एक ही समथिंग एल्स नो ओके एक ही बहुत है ओके लेट्स सी कौन सा है जो बहुत है ओके एंड व्हाट इज गोइंग टू स्पिन किंग ऑफ पेंटिकल इज डेफिनेटली स्पिनिंग किंग ऑफ पेंटिकल की सॉलिड स्पिनिंग हो रही है ऐसे लग रहा है ओके लेट्स सी सो यहाँ पे दो सेट में कार्ड्स आए हैं आधे सीधे आधे उल्टे 10 of Cups की एनर्जी है इट इज फाइनली होम कमिंग की एनर्जी फैमिली की एनर्जी घर वालों की एनर्जी लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी पीछे एक रेनबो जो है वो भी राइज हो रहा है सेकंड जो है 2 of Swords की एनर्जी है दो रास्ते हैं और चुनाव जो है वो करना है कि किस रास्ते से जाना है और आंखों पे पट्टी है तो मुझे ऐसा लगता है कि चॉइसेस की एनर्जी है और उसके बाद चॉइस करने के बाद उस एक्शन पे उस जर्नी पे आगे निकलने की एनर्जी है फर्टिलिटी दिस इज टेम्परस किसी चीज़ को फर्टाइल करना यहाँ पे भी एक रेनबो आपको वहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे एक मैजिक पोशन जो है वो ये बना रही है और लास्ट में 5 of Cups की एनर्जी है जहाँ पे जो वापस 2 cups है उसकी तरफ देखना जरूरी है द फिश फिश के पीछे देखो देयर इज समबडी क्रोकोडाइल जो मछली को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे भाग रहा है दिस पर्सन इज लुकिंग एट देयर और 3 of Cups लॉस की एनर्जी तो मुझे यहाँ पर आई विल टेक आउट वन मोर कार्ड जस्ट टू क्लैरिफाई लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी जहाँ पे फैमिली और लोगों के साथ कनेक्ट होगा और उस कनेक्शन के बाद फिर से एक नया रास्ता चुनना होगा एक नई जर्नी पे जाना होगा एक नई बिगनिंग करनी होगी एक नई तरह से एक्शन की एनर्जी में आना होगा और कहीं किसी को पकड़ने की एनर्जी जो है वो भी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि क्रोकोडाइल मछली के पीछे यहाँ पे भाग रहा है तो मछलियाँ फंसने की एनर्जी कोई ओवर सामने से देख रहा है और यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है तो मुझे यहाँ पर मुझे डेफिनेटली वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कुछ धर पकड़ है वो हो सकती है आपने अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं होना है चीज़ों से जरूर ध्यान रखना है अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है दिस इज सो ब्यूटीफुल एम्प्रेस अल्टीमेटली द गिफ्ट्स द हैप्पीनेस द ग्रोथ द बैलेंस एवरीथिंग सो अगेन पावरफुल एनर्जी है एक नई जर्नी एक नई साइकिल बिगिन होने की एनर्जी है एक कंप्लीशन से नए नए एक्शन की तरफ जाने की एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इनिशियल कन्फ्यूजन हो सकती है आपको 24th को लेकिन उसके बाद एक्शन जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा डिसअपॉइंट नहीं होइएगा अगर कोई चीज़ जो है कोई भाग रहा है कोई पकड़ा नहीं जा रहा है या कोई गोल आपका फुलफिल नहीं हो रहा है बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी आपको ज़रूरत है अपने आप पे भरोसा करने की क्योंकि वो मैजिक पोशन जो है वो लगभग रेडी है लेट्स सी एक ही बहुत है कौन है एक ही बहुत है दिस इज नाइट ऑफ कप्स सो ब्यूटीफुल क्योंकि यहाँ पे एक किंग है और वो घोड़े पे आ रहा है अपना कप लेकर दिस इज एन इमोशनल मैसेज पर ये जो घोड़ा है ये बहुत डिवाइन दिखाई दे रहा है बिकॉज इट इज़ नॉट अ नॉर्मल हॉर्स ये यूनिकॉर्न भी नहीं है ये बस कुछ डिवाइन एनर्जी है जो दिखाई दे रही है और ये पानी में से निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मछलियाँ हैं सॉरी सो दिस इज इमोशनल एनर्जी अ कम्युनिकेशन समथिंग मैजिकल कमिंग योर वे समथिंग मैजिकल कमिंग आउट सो यूनिवर्स इज सेइंग दैट देयर इज अ मैजिक दैट इज हैपनिंग पहला ही कार्ड जो था वो किंग ऑफ पेंटिकल था किंग ऑफ पेंटिकल स्पिन हो रहा है यहाँ पे इफ यू सी अगेन एक एनर्जी है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन वो हो चुका है जिसको आप आंख बंद करके देख नहीं पा रहे थे एंड देन देयर इज हर्मिट हु इज ब्रिंगिंग एन एंड टू ऑल काइंड ऑफ इल्यूजन्स स्ट्रगल्स और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है फाइनल कनेक्शन पीपल मीटिंग एक दूसरे के साथ बहुत समय के बाद शादी मिल रहे हैं यहाँ पे एप्पल्स हैं ऊपर और मैजिशियन की एनर्जी है सो फाइनली विद द लाइट ऑफ हर्मिट स्ट्रगल गेटिंग ओवर अ मैजिशियन एंड लवर्स द कनेक्शन सो बहुत ब्यूटिफुल एनर्जीज इस हफ्ते की एनर्जीज ही बहुत ब्यूटिफुल है इस पूरे हफ्ते की एनर्जीज जो है फाइटर प्लेन और किंग खकरा मिसेज प्रिंसेस सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली किसी तरह का ट्रैवल मूवमेंट किसी का आना ये मुझे थोड़ी बॉर्डर की एनर्जी भी लग रही है तो किसी तरह का बॉर्डर पे हलचल हो सकती है क्योंकि फाइटर प्लेन है किंग का क्राउन है प्रिंसेस प्रिंसेस है लिखा हुआ बट आइडियली क्राउन है तो किसी किंग का आना या किसी किंग का
जाना तो और किंग ऑफ पेंटिकल का क्राउन जाना और उसके खिलाफ एक्शन होना, दैट ऑल्सो कुड बी द थिंग. तो दिस इज पावरफुल स्ट्रांग एंड हो सके तो फीडबैक जरूर दीजिए और लाइक शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय.